हेलो क्रिकेट बड़ीज, मेरा नाम है जय। आप देख रहे हैं माय क्रिकेट बड़ी। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्पिन बॉलिंग के बारे में और उसमें भी वेरिएशंस के बारे में। वेरिएशन से मेरा मतलब ये नहीं है, मैं पहले क्लियर कर दूं, ऑफ स्पिन, लेग स्पिन, गूगली, ठीक है, दूसरा, ये सब तो कंसिडर करना ही है, लेकिन आज हम कुछ और बात करने वाले हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यार, ये मेरे अपने थॉट्स है, ठीक है। तो जो टिप्स मैं आज शेयर करने वाला हूं, तो शायद मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इन्हें फॉलो करो ही करो, अपने गेम में ऐड करो। लेकिन दोस्तों, अभी जो इंटरनेशनल क्रिकेट चल रही है आज की, तो उसमें जो आने वाले प्लेयर्स है, उसमें ये दिखने वाला है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें इंक्रीज होने ही वाली है, जो आप खुद भी एनालाइज कर लेना, ठीक है। आपको क्या लगता है, मुझे बता सकते हो कि होगा नहीं होगा, वो कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हो। तो चलिए फटाफट हम शुरू करते हैं। तो वेल, सबसे हमारी पहली टिप है रिलीजिंग पॉइंट। आपका जो भी रिलीजिंग पॉइंट है, उसमें आप थोड़ा सा वेरिएशन कर सकते हो। कई बार थोड़ा लेट रिलीज कर सकते हो, कई बार थोड़ा अर्ली रिलीज कर सकते हो। तो उससे होगा क्या, वेल, कभी कभी है ना, बैट्समैन हमें पहले से प्रिडिक्ट कर लेता है कि ये तो यहीं पे डालेगा, मतलब पहले से रीड कर ही लेता है, जैसे डाला स्टेप आउट करके छक्का। तो उसमें अगर आप थोड़ा लेट रिलीज करते हो या फिर थोड़ा अर्ली रिलीज करते हो, तो बैट्समैन को प्रॉब्लम हो सकती है जज करने में, ठीक है। तो वो एक वेरिएशन आप ऐड कर सकते हो। और चलिए अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी टिप के बारे में, वो है क्रीज। आपको क्रीज का अच्छे से यूज करना आना चाहिए। तो उसमें अब आप कैसे वेरिएशन कर सकते हो, फिर उसमें आप थोड़ा वाइड ऑफ द क्रीज डाल सकते हो, ठीक है, और स्टंप के पास से डाल सकते हो, या फिर आप एक हाफ यार्ड या एक यार्ड थोड़ा पीछे से डाल सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ों का भी आप यूज़ कर सकते हो, आपकी बॉलिंग जो भी हो, ठीक है, ऑफ स्पिनर हो, लेग स्पिनर हो, तो इसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी वेरिएशन बढ़ जाएंगे आपके, तो डेफिनेटली आपको इसे ट्राई करना चाहिए। और इससे हमारे दिमाग में कौन सा प्लेयर आता है, वेल, केदार जाधव, ठीक है। तो वो काफ़ी अच्छे से रीड करते हैं बैट्समैन को कि वो क्या कर रहा है, तो कभी हाफ यार्ड से डाल देते हैं, तो कभी स्टंप्स के पास से डालते हैं, या कभी वाइड ऑफ द क्रीज डालते हैं। तो वो वेरिएशन भी काफ़ी अच्छी है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि जो आने वाले बॉलर्स है, तो ये सारी चीज़ें भी इंटरनेशनल क्रिकेट में अब ज़्यादा दिखने वाली है। अभी तो इतनी नहीं दिख रही है, लेकिन कई बॉलर्स है जिनमें हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो बेस्ट एग्जांपल केदार जाधव है। तो आप खुद एनालाइज करो कि आप अपने गेम में ऐड कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप करो ही करो, अगर आपका गेम डिफरेंट है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले क्रिकेट में ये सारी चीज़ें कॉमनली आपको दिखने वाली है। और चलिए अब हम बात करते हैं हमारी आखिरी टिप की, वेल, वो है कि वेरिएशन से मेरा मतलब क्या होता है, हमारे दिमाग में क्या आता है, तो हमारी स्पीड आती है और फ्लाइट आती है। तो उसमें भी आप डेफिनेटली वेरिएशन तो कर ही सकते हो कि थोड़ी स्लो डाल दिया, पेस बढ़ा दी, ठीक है। तो वो तो है ही, फ्लाइट देनी है नहीं देनी है, तो ये सारी चीज़ें है, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको एनालाइज करना है कि कब कौन सा बॉल डालना है, वो तो आपके ऊपर है। डेफिनेटली अगर चलो कोई बैट्समैन मार रहा है तो इसको ऐसे डालो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक दिन आपके लिए काम करेगा ही करेगा। तो ये सारी चीज़ें अब आपको देखनी पड़ेगी कि कब क्या करना है, ठीक है। वो तो मैच खेलने के बाद ही आपको पता चलेगा, जितने ज़्यादा मैचेस खेलोगे तो उतना ही आपको आइडिया क्लियर होता जाएगा कि अच्छा ये काम कर रहा है मेरे लिए, ये नहीं कर रहा है, कौन से पीछे, वो सारी चीज़ें तो आती है। और तो बस यही चीज़ें हैं दोस्तों, आप इन्हें एनालाइज करो। और एक बोनस टिप जाते जाते कि वेरिएशन तो आप कर ही रहे हो, ठीक है, तो उसमें भी आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हो कि बैट्समैन को रीड कर सकते हो। तो डेफिनेटली ये तो कॉमनली लग ही रहा है, लेकिन जो बैट्समैन, वेल, केदार जाधव ने भी यही बोला था कॉन्फ्रेंस के वक्त कि मैं बैट्समैन को रीड करता हूँ, मैं उसमें ध्यान नहीं देता हूँ, ऑफ स्पिन, लेग स्पिन, दूसरा डालना है, उसमें ज़्यादा ध्यान मेरा होता ही नहीं है कि कौन सा बॉल डालना है, ठीक है। तो मेरा ध्यान सिर्फ उसमें होता है कि बैट्समैन क्या कर रहा है बस। तो ये काफ़ी बड़ी वेरिएशन है कि बैट्समैन क्या कर रहा है उसको रीड करो, डेफिनेटली आपको विकेट मिलेगी। तो आपको अब जज करना है कि क्रीज से वाइड ऑफ द क्रीज डालना है, स्टंप के पास से डालना है, हाफ यार्ड पीछे से डालना है, एक यार्ड पीछे से डालना है। तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें ट्राई करो, ठीक है, और वेरिएशन स्पिन पेस में भी करो। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और दोस्तों, आपको क्या लगता है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अब ये आने वाली चीज़ों में आप इंटरनेशनल क्रिकेट में ये दिखने वाला है या नहीं दिखने वाला है। और साथ ही साथ, वेल, आपका क्या सीक्रेट है वेरिएशंस में, वो भी नीचे मुझे कमेंट करके बताओ। वेल, छोटी सी डिस्कशन करते हैं। और बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सारे क्रिकेट बडीज़ के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लव क्रिकेट, लेव क्रिकेट।